कुपवाड़ा के हायामा इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर तबाहकुन सैलाब की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना हो गया है और आज सुबह ही बादल फटने की वजह से इमलाक के साथ साथ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज और बाकी चीज़ों को भी नुकसान हुआ है। मैं इस वक्त हायामा के सोहीपोरा एरिया में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं सड़क भी बंद हो गई है। इस सैलाब की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। क्या इस तरीके का सैलाब इससे पहले आया है? जब मैंने लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बात की तो उनका ये कहना था इससे पहले सैलाब तो आया था मगर इस तरीके का तबाहकुन सैलाब यहाँ के लोगों ने शायद ही नहीं देखा होगा। आज सब यूं तो मैं इम ब्रोश हुआ था इत कनन वुछ मुझा इत पर जो नीचे इत पर ओस नीचे इत पर ओ इम खोद ऐस मगर इत पर ओस नीचे उता नुकसान ओस नीचे नुकसान ओस नीचे यूत के अच्छा नुकसान को वारिया नुकसान को हिर को वार ना नुकसान के हिर को मुझा नुकसान को हिर को जा तो वो सॉरी शॉट्स में जमा तो को शॉट्स में जमा। आज सवेरे बादल फटने से यहाँ पर से पानी आया और सबसे पहले एक मकान एक मिडिल स्कूल है उसके मिडिल स्कूल के हमारी गाड़ियाँ खड़ी थी जिसमें हमारी एक टाटा सुमो गाड़ी एक जलो गाड़ी और दो मारवती थी दो और मारवतियों के नजदीक में बाई साइड में दो दुकानें थी जिसके बिल्कुल पानी की नीचे दब गई थी और उसके बाद हमने जेसीपी की लाई जेसीपी की मदद से हमने जलो गाड़ी और सुमो गाड़ी और मारवती को बाहर निकाला। इंजन होता है साहब तो इंजन एसी वगैरह जो सब खत्म पानी और टाटा सुमो का भी इंजन खराब हो गया और इसकी बॉडी भी खत्म और इंजन भी खत्म हो गया। लगभग कितना नुकसान? लगभग 4 लाख है साहब। 4 लाख तो गाड़ी का खराब है क्योंकि महंगी गाड़ी है साहब। जी साहब ये हमारी गाड़ी काफी महंगी गाड़ी है सर। तो हम जब 6 बजे उठे तो 6 बजे जब उठे तो बादल फटे अचानक से तो ऊपर से आवाज आई हमारे तो हम घरों से बाहर निकले तो मस्जिद के पास हम जब पहुंचे नीचे तो बुरी हालत थी वहाँ पे। तो हमारी जितनी जमीन थी सर तो इतनी खत्म होगी सर यहाँ। तो ये देखो आप पीछे पेड़ कितने बड़े आए पूरे ऊपर से पेड़ आए और मकानों को भी नुकसान हुआ हमारे फसल को भी नुकसान हुआ है। तो सबसे ज्यादा मस्जिद को भी नुकसान हुआ है स्कूल को भी हुआ है गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है सर। तो इसके बारे में बताइए ये क्या ये कौन सा एरिया है? ये त्रुमनार है सर। सपा वाली यहाँ सपा वाली यहाँ से ऊपर कहते हैं सर। ये सपा वाली नाला है ऊपर से बादल फटने से और इससे ऊपर सपा वाली है। सपा वाली का हमें पता ही नहीं वहाँ पे क्या हालात इस वक्त होंगे वहाँ पे लगे थे यहाँ कैसी यहाँ पे जब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है वहाँ की सिचुएशन का हमें पता ही नहीं है वहाँ पे क्या हुआ होगा। अच्छा मुस्तकबिल बनाना सबका सपना होता है इसीलिए बेहतर शिक्षा और बेहतर मुस्तकबिल के लिए चुनिए देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस श्रीनगर जहां आपको बीएससी मेडिकल लैब बीएससी ऑपरेशन थिएटर बीएससी एनेस्थीसिया बीएससी रेडियोलॉजी बीएससी फिजियोथेरेपी बीबीए बीसीए बीए एमसीए एमएससी ओटीटी एमएससी आरआईटी एमएससी एमएलटी एमपीटी जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज स्कॉलरशिप के साथ करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2023 है। आज ही अप्लाई करने के लिए www.dbucoe.com पर रजिस्ट्रेशन करें। देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लावेपुरा श्रीनगर कॉन्टेक्ट अस ऑन 9419234559 और 9682666329।